ऐसा कुछ नहीं अभी तो क्रिकेट खेली और बल्कि वाइस एज अ कैप्टन सबकी जरूरी होती है कि जो एक काम इमरान भाई ने किया पाकिस्तान के लिए, जो पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए किया 92 वर्ल्ड कप जीते, ऑब्वियसली एज अ कैप्टन मेरी भी यही फर्ज होगी कि हमारे लिए पाकिस्तान की टीम वो वर्ल्ड कप जीते, और जैसे उन्होंने नाम बनाया तो मेरी भी खुशी होगी मैं भी ऐसी नाम लगाऊँ पाकिस्तान। और देखिए ये अगर आप पाकिस्तान टीम की हिस्ट्री की बात करेंगे तो पाकिस्तान टीम ने पहले ही अचीवमेंट कर चुकी है, और पाकिस्तान टीम दुनिया की शायद वो तीन चार टीमों में जानी जाती है जिन्होंने जितने भी वर्ल्ड कप होते हैं आईसीसी के वो सारे जीते हैं, चाहे वो 2006 का हो, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी हो, चाहे वो 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप हो। तो ये पाकिस्तान टीम जो है इंशाल्लाह कोई अगर जीतेगी भी तो ये पाकिस्तान टीम पहले कर चुकी है, और पाकिस्तान टीम में इतनी कैपेबिलिटी है कि पाकिस्तान टीम जो है वर्ल्ड कप जीत सकती है, तो इसीलिए हमने ये अपना कैप्शन लगाया अभी अभी वी हैव। लेकिन हमारी जो प्रिपरेशन है हम हर मैच जो है वो इंडिया जैसे ही समझ के खेलते हैं, क्योंकि हमें अफगानिस्तान से भी वैसे ही मैच खेलना है जैसे हमें इंडिया के खिलाफ मैच खेलना है, तो हमारी फोकस जो है वो सारी टीमों के खिलाफ होगा। और जहाँ तक आपने बात की है लेकिन आप ये भी याद रखेंगे हम, और जहाँ तक रही बात हफीज़ भाई और शोएब भाई के, देखें ये दोनों आपके की प्लेयर हैं, और जैसे कि शोएब भाई ने बोला कि वो उनका आखिरी वर्ल्ड कप है, तो हम कोशिश करेंगे कि उन दोनों से उनकी उनकी सीनियरिटी जितना फ़ायदा उठा सके उतना फ़ायदा उठाएं, और ये दोनों हमारी टीम की बैकबोन है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये दोनों एक साथ एक मैच में खेलेंगे और पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करेंगे।